हम इस रचिका की तस्वीर पर दामिनी की तस्वीर लगाएंगे जिससे उस डाकनी की शक्तियाँ कमजोर हो जाएंगी। इसका क्या मतलब है? दामिनी रचिका नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखो, हम दोनों की कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। गलत दुश्मनी है, बहुत पुरानी दुश्मनी है। आज कितना स्पेशल दिन था मेरे लिए, वो भी परफेक्ट नहीं किया। चॉकलेट आइसक्रीम, बटर स्कॉच आइसक्रीम, जल्दी से खा ले नहीं तो पिघल जाएगी। मैं गुस्से से आइसक्रीम को क्यों पिघला रही है? जल्दी से खा लेना वरना शेक बन जाएगा। सुनाई नहीं देता क्या? कहा ना बात नहीं करनी तुझसे। आयुषा 100% मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। ठीक है भाई, अब मुझे गुस्सा रहना है, मेरी लाई हुई आइसक्रीम नहीं खानी है तो क्या करे? एक काम करती हूँ, मैं खुद ही खा लेती हूँ, आइसक्रीम क्यों वेस्ट करना है ना। ओके? पैसा मेरा खाते हो, खाना मेरा खाते हो, पर काम के टाइम पर सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती हो तुम सबकी। कहा था ना दामिनी को उठाना और उसे मारना है। एक काम नहीं होता तुम नलायक उसे। ओ सॉरी सर, वो कया ने की। चला और दफा हो जाओ यहां से। जाओ। इसकी इतनी हिम्मत कि ये दामिनी को मारेगा? इसकी सजा तो मैं इसे दूंगी। तेजस बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तेजस भैया, उठाओ इसे। क्या हुआ? क्या हुआ पापा? वो मैं अपने रूम में जा रहा था और अचानक मुझे हाथ गाड़ी ने टक्कर मारी और मैं गिर गया। कहाँ है हाथ गाड़ी? अरे यही तो घर में। हाथ गाड़ी कहाँ से आएगी तेजस भैया? पापा यही तो थी। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है भैया। कुछ नहीं है यहाँ, जाओ जाओ, कुछ नहीं है, अपने रूम में जाओ। वो ध्यान रखना अपना। पापा मैं सच बोल रहा हूँ। उसे कहा था ना संभल के पीना, अब सबके सामने तमाशा मत बनाओ। लेकिन पापा, चलो भाई चॉकलेट, सबसे पहले तुम्हारी बारी, टेस्ट करते हैं कैसा है। चॉकलेट इज अमेजिंग। अब बटर स्कॉच की बारी, तो मैं बटर स्कॉच खा लेती हूँ, देखती हूँ ये बटर स्कॉच कैसा टेस्ट कर। आई बड़ी बटर स्कॉच मेरी है। सब कुछ तो तेरा ही है, मैं भी तो तेरी हूँ। कैसी रहूंगी तेरे बिना? क्यों मुझसे ऐसे बिहेव कर रही है? मान जाना, I'm sorry. प्लीज गुस्सा मत रहे, प्लीज। सॉरी। सुन ना, तुझे पता है ना, आई लव शिवाय। मुझे पता है। अच्छा सुन ना, आज ना मेरी हल्दी है। I'm so happy. ये तेरी हल्दी। क्या करूं? मैं दामिनी का दिल नहीं दुखा सकती, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ गलत होते हुए भी नहीं दिख सकती। ओ
हूँ बागेश राय वीर विराय हूँ फट सहा हूँ। नंदिनी। हाँ माँ। ये क्या कर रही तू? अम्मा शिवाय और दामिनी की सगाई हो चुकी है, मतलब रचिका की किस्मत अब हमारे इस घर परिवार से जुड़ चुकी है। हम इस रचिका की तस्वीर पर दामिनी की तस्वीर लगाएंगे जिससे उस डाकिनी की शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। हाँ। एक मिनट मैं तस्वीर लेके आती हूँ। नंदिनी, अम्मा, क्या हुआ? छक्का लगा, हाथ जल रहा है। तू ठीक तो है? इसका क्या मतलब है? अम्मा, इसका मतलब दामिनी रचिका नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मगर हम लोगों ने तो अच्छे से खोजबीन की थी ना, और फिर आज सगाई के बाद तो अड्डे से उसी की वजह से निकले थे, तो फिर ऐसा कैसे? अम्मा, हमसे जरूर कोई बड़ी गलती हुई है, वरना ये रचिका होती तो इसकी तस्वीर इस तरह से नहीं चलती। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि दामिनी ने सगाई की अंगूठी गलत हाथ में पहन ली हो, इसकी वजह से ऐसा हुआ? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिवाय और दामिनी की सगाई हो चुकी है और आज रात को सब लोग यहाँ आ रहे हैं हल्दी की रस्म के लिए, और शादी तक सब लोग यहीं रुकेंगे। अम्मा, क्या करेंगे हम लोग? हे भोलेनाथ, रक्षा करो। प्रभु, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आए, खुश रहो। अरे अरे, बस जीते रहो, खुश रहो। अरे नंदिनी। हाँ माँ। सबका सामान रखवा दो अंदर। हाँ जी मोक्ष बेटा, सामान रखवा दो अंदर। हाँ। अम्मा, वो शादी से पहले कुछ भी करके हमें पता करना पड़ेगा कि दामिनी वही रचिका है या नहीं। करते हैं कुछ, करते हैं। हमें शादी से पहले दामिनी टीचर को अपने बारे में सब ट्रूथ बताना होगा। हम उनके साथ रंग नहीं कर सकते। दामिनी तो रुक ही नहीं रही है, कैसे समझाऊं इसे कि ये शादी इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। अब तो शादी तक आप इसी घर में रहेंगे। चलो अच्छा है। अच्छा बहन जी, वैसे तो शादी लड़की के घर से ही होती है, लेकिन बदलते जमाने के साथ हमें बदलने में कोई हर्ज नहीं। क्यों बेटा? मेरी बेटी की खुशी में मेरी खुशी है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। आओ। भाई साहब, बहन जी, आप लोग अंदर चलिए ना, आराम कर लीजिए। आइए, मैं आपको कमरा दिखा दूँ। आइए, मुझे दीजिए। ले दीजिए। आइए आइए। मिस्टर शिवाय, तुम जैसा बेशर्म और शेमलेस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अपने फायदे के लिए तुम दामिनी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। शेम ऑन। देखिए, इस घर में ना दामिनी टीचर की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। हमने फैसला लिया है कि हम दामिनी टीचर को सारी सच्चाई बता देंगे, हैं? दामिनी को सच पता नहीं चल सकता और ना ही पता चलना चाहिए। और आप ना हमें ऐसे ताने मारने बंद कीजिए, कुछ ही देर में सब मिल्क का मिल्क और वाटर का वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध का दूध, पानी का पानी। इंग्लिश नहीं आते क्या आपको?
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस कमरे से मेरा पुराना रिश्ता है? दामिनी टीचर, क्या हुआ? तुम हो शिवाय? डर गई? नहीं नहीं, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, हमें आपसे बात करनी है। हमें कुछ बताना था। दरअसल वो क्या? जादू, मैजिक कर सकते हैं। वो रिमोट वगैरह जो भी था वो सब लाया था। झूठ था। अब दरअसल कहना है कि जब हम लिटिल थे ना, तभी से हमारे पीछे एक साया पड़ा है। कौन है वो साया, क्यों पड़ा है हम नहीं जानते। शिवाय फाइंडिंग आंसर, फाइंडिंग नॉट कमिंग। देखिए, हाँ, सच जानने के बाद भी अगर आप हमसे शादी करना चाहती हैं या फिर नहीं करना चाहती, वो आप चूज कर लीजिए। नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। अब मैं तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी बन के रहूंगी। गुड गुड, वेरी गुड, गुड चूज। थैंक यू, धन्यवाद। मेंशन ऑफ कैसे दामिनी हाँ कर सकती है, वो भी सब जानने के बाद भी? वो दरअसल हमें कुछ बताना था। क्या? अब तुम चाहे कुछ भी कह लो शिवाय, दामिनी वही सुनेगी जो मैं उसे सुनाना चाहती हूं। दरअसल कहा ना कि हमने तुम्हारे जितना वो नहीं किया है। क्या? स्टडी तो हमारी इंग्लिश जो है हमें आती नहीं है। ऐसा हमारा मानना नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। हमें आती है वैसे तो, और हम जो है आपके लायक नहीं है। लेकिन दिल से एक बात कहें कि हम आपसे बहुत ही टूरू वाला लव करते हैं। अब ये सब जानने के बाद भी अगर आप हमसे मैरिज करना चाहती या नहीं करना चाहती, वो आप चूज कर लीजिए। तू नहीं सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी? ये गंदी चुड़ैल बिल्कुल भी नहीं सुधरी, फिर से अपने गंदे मैजिक से सब खराब कर दिया। शिवाय के लिए उसने सच बता दिया, पर दामिनी उसे तो आज भी कुछ नहीं पता। शिवाय कौन है, क्या कर सकता है? का सच वो कुछ नहीं जानती, अब क्या होगा? दामिनी पागल हो गई है तू? शिवाय ने अपनी पूरी सच्चाई खुद तुझे बताई, तू फिर भी उसे शादी करना चाहती है? क्यों अपने आप को आग में झोंक रही है? इनफ। प्रॉब्लम क्या है तेरी? तुझे पता है मैं उससे ही शादी करूंगी, तू बार बार क्यों बीच में घुस रही है? तू मेरी खुशी देख के खुश नहीं है? तुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैं शादी कर रही हूँ उससे जिससे मैं प्यार करती हूँ? दामिनी ऐसा नहीं, यू नो व्हाट, मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे एक्चुअली लगने लगा है कि माँ जो कहती है ना वो सही कहती है। मुझे अब सच में फील होने लगा है कि तू जलने लगी है क्या मेरी खुशियों से? मैं शिवाय से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और मैं करूंगी। अगर तुझे यहाँ रहना है, मेरी खुशियों का हिस्सा बनना है तो रहे। अगर नहीं, तू नहीं चाहती शादी हो, तो यहाँ से चली जा। मुझे बुरा लगेगा पर मैं सह लूंगी, पर अब शिवाय के लिए कुछ मत बोलना।
हमने अपनी तरफ से सब राइट कर दिया है, अब कोई टेंशन नहीं है हमें। तामिनी टीचर सब ट्रुथ जानने के बाद हमसे मैरिज कर रही है, अब सब ठीक हो जाएगा। कैसे पता करें कि दामिनी वो असली रचिका है कि नहीं? अम्मा, अम्मा कहाँ चली गई? बेवकूफ लोग ये भी नहीं जानते कि शिवाय शादी में नहीं, मेरे जाल में फंस रहा है। शिवाय के पतन को छूकर जैसे ही ये हल्दी उसकी दुल्हन को लगेगी, उसकी दुल्हन की शक्तियां 100 गुना बढ़ जाएंगी। ये सब गलत हो रहा है, दामिनी समझ क्यों नहीं रही? अब मुझे ही कुछ करना होगा, मैं अपने दोस्त की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकती। चलो हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। अब एक ही तरीका है। सबसे पहले हल्दी तो मैं ही लगाऊंगी। हाँ चाची आइए, आपको कौन स्टॉप कर सकता है? हमारी प्यारी दुल्हन की बात। कहाँ हो तुम? सामने आओ। कहाँ दुबक के बैठी हो? बाहर आओ। मैंने तुझे अपनी दोस्त माना, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तेरी और मेरी पिछले जन्म की कोई दुश्मनी है जो तू आज तक निभा रही है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी दिखाना मत, निकल जा मेरी जिंदगी से। बोला मैं एक चीज भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ, बस अभी आई। कुछ तो गड़बड़ है, चाची जी ऐसे बीच में रस्म छोड़ के जा रही हैं। पिछली बार भी वो साया चाची के अंदर एंटर कर गया था, कहीं इस बार भी? Excuse me. शिवाय ऑल सर मेंबर्स मिसिंग कुछ अभी है। सामने आओ मेरे, यही हो ना तुम, इसी घर में, जानती हूं मैं। कहां हो?
मैंने तुझे अपनी दोस्त माना, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तेरी और मेरी पिछले जन्म की कोई दुश्मनी है जो तू आज तक निभा रही है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी दिखाना मत, निकल जा मेरी जिंदगी से। तुम चाची के अंदर हो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? देखो, मैं नहीं चाहती कि दामिनी इस घर में शादी करके आए, और मैं चाहती हूँ तुम भी नहीं चाहती कि शिवाय और दामिनी की शादी हो। मैं जानती हूँ तुम्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम है, राइट? कि क्यों ना तुम दामिनी के पापा के सामने आ जाओ, या फिर हॉल में कुछ ड्रामा कर दो, कुछ ऐसा कर दो जिससे दामिनी और बाबा दोनों इस शादी को तोड़ दे। उससे तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मेरी भी, और मेरी बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी बच जाएगी। देखो, हम दोनों की कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। गलत, दुश्मनी है, बहुत पुरानी दुश्मनी है। दामिनी को इस घर में शादी करके आना हो, और मैं किसी को भी ये शादी रोकने नहीं दूंगी, तुझको भी नहीं। मैंने तुझे अपनी दोस्त माना, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तेरी और मेरी पिछले जन्म की कोई दुश्मनी है जो तू आज तक निभा रही है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी दिखाना मत, निकल जा मेरी जिंदगी से। मैंने तुझे अपनी दोस्त माना, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तेरी और मेरी पिछले जन्म की कोई दुश्मनी है जो तू आज तक निभा रही है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी दिखाना मत, निकल जा मेरी जिंदगी से।